हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली आया है पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में, तो इसके बारे में हम डिस्कस है वो कर लेते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखने की पोलावरम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो लगाया कहाँ पर जा रहा है और किस रिलेटेड है। देखो, बेसिकली है इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मतलब सिंचाई से संबंधित है। इसके साथ ही पीने का पानी है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा और आसपास के एरिया में खेती के लिए जो भी सिंचाई के लिए पानी है वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के थ्रू है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। मल्टीपर्पज़ का मतलब बहुत सारी पर्पज़ का इसका पानी है वो यूज है वो किया जाएगा, काफ़ी डायमेंशन। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में भी इसका पानी यूज किया जाएगा, खेतों में भी इसके साथ पीने का पानी हो तो इन सब के लिए इस पानी का यूज है होगा। पोलावरम जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो बेसिकली गोदावरी रिवर पे बना हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी तो कंस्ट्रक्शन फॉर्म में बेसिकली चल रहा है, तो यह ध्यान रखना है कहाँ पे गोदावरी रिवर है। देखो, बेसिकली वो हमें बताएं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बेसिकली हम बात करें आंध्र प्रदेश वाले रीजन से फ्लो है वो करती है। अब यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेट को इससे बेनिफिट होने वाला है। एक तो छत्तीसगढ़ को, एक आंध्र प्रदेश को और एक उड़ीसा को, इन 3 स्टेट को इससे फायदा होने वाला है। और बेसिकली इसमें एक डैम बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखो क्या है कि 2 डिस्ट्रिक्ट है जिनका नाम है, एक तो ईस्ट गोदावरी और एक है वेस्ट गोदावरी। उन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के बीच में बेसिकली एक डैम बनाया जाएगा गोदावरी रिवर पे, और फिर उसका जो कैचमेंट एरिया आप बोल सकते हो कि जो रिजर्वर बनाया जाएगा पानी का, वो बेसिकली छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है और इसके साथ ही उड़ीसा में भी फैला हुआ है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही पोलावरम जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इसकी हेल्प से हम बात करें तो जो काफ़ी सूखे एरिया जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उन एरियाज में पानी है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की हेल्प वजह से जो वहाँ पे लोकल लोग थे तो लगभग 1,88,000, मतलब आप बोल सकते हो कि लगभग 2 लाख लोग हैं, 222 गाँव हैं, उनको बेसिकली एक तरीके से ट्रांसफ़र है वो किया गया है क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है वो चलाए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने की पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है कहाँ पे, कौन से रिवर पे बनाया जा रहा है, कौन कौन से स्टेट को इससे फायदा होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है लॉजिक्स इंडिया 2019। देखो, बेसिकली एक लॉजिस्टिक मीटिंग होने वाली है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की या फिर लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, इसकी एक मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में, उसको लेकर बेसिकली आर्टिकल आया है। तो UPSC पूछ सकते हैं कि लॉजिक इंडिया 2019 है क्या। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज की जाएगी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO के द्वारा। अब ये क्यों ऑर्गेनाइज की जा रही है लॉजिस्टिक मीटिंग वो हम देखते हैं। देखो, पहले थोड़ा फैक्ट है वो देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो जारी किया जाता है और उसमें 2018 में इंडिया की रैंकिंग है वो आई थी 44वें नंबर पर, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा बुरी भी नहीं है। हम बात करें इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट की, देखो आप इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये मान लो कि 100 रुपये की कोई चीज़ है और अगर इंडिया में उसको लॉजिस्टिक सेक्टर या ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस पर एवरेज खर्चा आता है 13 से 15 रुपये के बीच में, मतलब 13 से 15% की बात यहाँ पे की गई है कि प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट होती है उसका 13 से 15% है वो तो बेसिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट में ही खर्चा वहन हो जाता है। जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड पे अगर हम देखें तो लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है ग्लोबल एवरेज की वो होती है 6%, मतलब हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो ग्लोबल लेवल से दुगुनी से भी कुछ ज़्यादा है। ये मान के चलो कि अदर कंट्रीज़ में हम बात करें तो 100 रुपये का सामान है वो 6 रुपये में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जबकि इंडिया में उसी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 13 से 15 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मतलब हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट या बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो, इसके काफ़ी सारे रीज़न भी हैं कि ज़्यादा क्यों है। इसके कुछ रीज़न तो इस प्रकार हैं कि हमारे देश में देखो तो ट्रांसपोर्ट की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सामान है ज़्यादा और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो है काफ़ी कम, तो इसकी वजह से कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है अगर चीज़ें ज़्यादा होंगी और सप्लाई के लिए चैन भी बड़ी होगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट है वो अपने आप कम है वो हो जाती है। अब जो लॉजिक इंडिया 2019 एक तरीके से जो इंडिया में मीटिंग होने वाली है इसमें बेसिकली फोकस किया जाएगा कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको किस तरीके से कम किया जाए और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि इंडिया भी ग्लोबल ट्रेड में शामिल होकर इस चीज़ का फायदा है वो उठा सके, मतलब इंडिया भी अपना सामान है वो काफ़ी सस्ते में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, इसके लिए इसमें बातें हैं वो की जाएंगी बेसिकली। इसके साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखी जाएंगी, ताकि हमारे देश में लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, वेयर हाउस है उनको बनाने पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही हम बात करें कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात की जाएगी और IT मैनेजमेंट और स्किल मैनेजमेंट पावर की तरफ फोकस है वो किया जाएगा, ताकि हमारे देश में स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके और उसका लॉजिस्टिक सेक्टर में यूज है वो किया जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है हार्ट अटैक प्रिवेंट कैंपेन के बारे में।
देखो बेसिकली FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक मीडिया कैंपेन स्टार्ट किया गया भी, जिसका नाम है हैट अटैक रिवेंट प्रोग्राम। देखो बेसिकली ये छोटे से छोटी छोटी चीज़ है ना, ये हम आंसर राइटिंग में कोट करने में भी यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो फोल्डर मटेरियल के तौर पर काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत डाटा अगर आपके पास याद हो और थोड़ा बहुत आप डाटा याद रखिए, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग में इस तरीके के डाटाज का काफ़ी यूज है, वो हम कर सकते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो रहता है। अब ये हैट अटैक रिवेंट प्रोग्राम क्यों चलाया गया है? देखो बेसिकली जो ट्रांस फैट होती है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसे डायबिटीज़ हुआ, मधुमेह से बीमारी बोल सकते हो, इसके साथ ही मोटापा हुआ, या फिर आप बोल सकते हो कि एक तरीके से कार्डियो डिजीज हैं वो काफ़ी बढ़ने लग जाती है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ती हैं जो ट्रांस फैट होती है, वो सेचुरेटेड फैट जिसे हम बात यहाँ पे की गई है। तो उसको कम करने के लिए या फिर उसका कम यूज हो हमारे फूड प्रोडक्ट में, इसके लिए बेसिकली हार्ट अटैक रिवेंट कैंपेन है वो चलाया गया है FSSAI के द्वारा। अब हम बात करें, देखो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बेसिकली टारगेट रखा है कि 2023 तक हम जो ट्रांस फैट है, जिस सैचुरेटेड फैट की हम बहुत कर रहे हैं, उसको ग्लोबल फूड सप्लाई से हटा दिया जाए, उसका यूज हो बहुत कम कर दिया जाए। इसके लिए बेसिकली प्रोग्राम भी चला गया है और इंडिया भी ये चाहता है कि भाई 2023 तक अगर हमें काम करना है तो इसके लिए हम भी कुछ कदम उठाएं। और इंडिया ने भी टारगेट रखा है, यानी कि इंडिया की जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने भी ग्लोबल टारगेटर को रखा है कि जो ट्रांस फैट है उसको 2022 तक उसको कम किया जाए और उसको प्रोडक्ट में कम से कम यूज है वो किया जा सके। इसके लिए बेसिकली इंडिया ने एक प्रोग्राम भी चलाया जिसका नाम है ट्रांस फैट इंडिया एट 75। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीडम के 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे 2022 में, और उसी मौके पर बेसिकली एक कैंपेन है वो यहाँ पर चलाया गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि है क्या। अब हम देखते हैं कि FSSAI है क्या, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो FSSAI है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, जिसको बेसिकली पार्लियामेंट में एक्ट था जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसके तहत बनाया गया था। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसके अंडर काम करती है। काम क्या है FSSAI का? इसका काम यह है कि हमारे देश में फूड सेफ्टी के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइन हैं, वो तैयार करना, हेल्दी फूड हो, ऐसा नहीं हो कि मिलावट वगैरह, उन सबको रोकने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइन है, वो बेसिकली FSSAI के द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है यहाँ पे गोल्ड के बारे में, कि इंडिया है वो गोल्ड का इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहा था, इसलिए अभी इंडिया में जो गोल्ड इंपोर्ट किया जा रहा था उसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब इसका क्या तो इम्पैक्ट होने वाला वो हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी से क्या होने वाला है। देखो बेसिकली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, ये क्या करता है, हमारे देश में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको रेगुलेट करता है, कहीं इंपोर्ट ज़्यादा और हो तो उसको मैनेज करना हो, एक्सपोर्ट को, इन सब का काम बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा किया जाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे देश में क्या है कि लोगों का सोने के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, और आपको पता है कि इंडिया वो हर साल लगभग 900 टन सोना है वो इंपोर्ट करता है, और एक तरीके से हम बोलें तो वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है इंडिया, पहले नंबर पे कौन है, चाइना, मतलब सबसे ज़्यादा सोना कंज्यूम किया जाता है चाइना में, फिर दूसरे नंबर पे इंडिया में। और बड़े दुख की बात यह है कि इंडिया में जो सोना कंज्यूम किया जाता है, फिर इंडिया में जो सोना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, उस सोने का बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, मंदिरों में उसका ज्वेलरी के फॉर्म में रखा हुआ रहता है, मतलब उसका हमारी इकोनॉमी में कोई इफेक्ट नहीं होता, उल्टा नेगेटिव इफेक्ट और होता है, क्योंकि मंदिरों में पड़ा रहता है, उसका कोई बेनिफिट लोगों को मिल नहीं पाता है। तो ये हमारे देश में काफ़ी बड़ी समस्या है वो हो जाती है। तो अभी देखो आपको पता है कि रुपीज़ की वैल्यू काफ़ी अप डाउन हो रही थी, और इसके साथ हमारे देश में सोने का इंपोर्ट भी बढ़ रहा था, तो उन सब को रेगुलेट करने के लिए ये बेसिकली सोने को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला गया है। अब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालने का मतलब ये हो गया है कि अब जो भी इंपोर्टर सोने को इंपोर्ट करता है, मतलब हमारे देश में जो भी कंपनी है या जो भी संस्था सोने को इंपोर्ट करती है गोल्ड को बाहर से, उसको बेसिकली लाइसेंस लेना होगा, मतलब बिना लाइसेंस की बेसिकली सोना है वो बाहर से इंपोर्ट है वो नहीं कर सकता। मतलब साफ हो गया है कि सोने की एक तरीके से आप जो भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो भी आयात था उसको कम करने के लिए लाइसेंस प्रणाली वो यहाँ पे एक्टिव की गई है, ताकि जिसके पास लाइसेंस है वो गवर्नमेंट की अनुमति के बाद ही सोना है, गोल्ड है, बाहर से इंपोर्ट है, वो कर सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है ई दृष्टि के बारे में। देखो ई दृष्टि है क्या, ये बेसिकली एक पोर्टल है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप है, वो किया गया है इंडियन रेलवे की। देखो एक सब्सिडी कंपनी है जिसका नाम है क्रिस, जिसके द्वारा ही IRCTC जो आपको पता ऑनलाइन टिकट हम बुक करते हैं रेलवे की, वो बनाई गई थी। तो वो इंडियन रेलवे की एक सब्सिडी कंपनी है जिसका नाम है
सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इसके द्वारा बेसिकली ई दृष्टि एप्लीकेशन को डेवलप है वो किया गया है। ये इसलिए डेवलप की गई है ताकि हमारे देश में जो ट्रेनों की पंचुअलिटी है, इसको जो भी मिनिस्टर्स हैं, रेलवे मिनिस्टर, वो ट्रैक कर सकें कि ट्रेन कितनी डिले हो रही है, कितनी टाइम पे पहुंच रही है, जिससे पैसेंजर हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो इंडियन रेलवे से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, उन सबको ट्रैक करने के लिए जो मिनिस्टर्स हैं वो इस एप्लीकेशन का यूज है वो कर सकेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो इंडियन रेलवे है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इन ऑल वर्ल्ड, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है साउथ एशिया रीजनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखो, साउथ एशिया रीजनल यूथ जो पीस कॉन्फ्रेंस है वो अभी न्यू दिल्ली में आयोजित है वो की गई थी। अब हम बात करें कि गांधी जी का 150वां बर्थ एनिवर्सरी थी और उसी मौके पे बेसिकली जो साउथ एशिया रीजनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई थी। यह ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये आयोजित की गई थी गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति, जो आती है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक समिति है जिसका नाम है गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति, उसके द्वारा इंडिया की साउथ एशिया रीजनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस को आयोजित है वो किया गया था। इसके साथ ही यूनेस्को की महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि MGIEP वो, और इसी के साथ ही स्टैंडिंग टुगेदर टू इनेबल पीस, ये इंस्टीट्यूट है, इन तीनों इंस्टीट्यूट के द्वारा, तीनों संस्थाओं के द्वारा साउथ एशिया रीजनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस को आयोजित है वो किया गया था। अब इसका मोटो क्या है, इसका मोटो साफ साफ ये है कि देखो, जो यंग लीडर्स हैं साउथ एशिया में, उनको बेसिकली एक तरीके से नेटवर्क है उनका वो तैयार करना, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे गए हैं 2030 तक जो हमें अचीव करने, उसमें हमें हेल्प है वो मिल सके। मतलब साउथ एशियन कंट्रीज का जो टारगेट रखा गया है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको अचीव करने के लिए जो यंग लीडर्स हैं उनका नेटवर्क तैयार करना, और उसकी वजह से हम जो टारगेट को अचीव है वो कर सकें। तो ये इसका टारगेट या बोल सकते हो कि एम फोकस है वो रखा गया है। ये थे आज की हमारी आर्टिकल, अब एक बार हमको रिवाइज है वो कर लेते हैं। आज सबसे पहले हमने पोलावरम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में जाना जो कि गोदावरी रिवर पे है। बेसिकली तीन स्टेट को इस पे फ़ायदा होने वाला है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ज़्यादा फायदा इसमें आंध्र प्रदेश को होने वाला है। इसके साथ ही हमने लॉजिक्स इंडिया 2019 के बारे में जाना जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज है वो की गई थी इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए। इसके साथ ही हमने हार्ट अटैक रिवेंट कैंपेन के बारे में जाना जो कि FSSAI के द्वारा ऑर्गेनाइज है वो किया गया था, ताकि जो सैचुरेटेड फैट है उसको कम यूज किया जा सके। इसके साथ ही हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जाना जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम है वो करती है। इसके साथ ही हमने जाना कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा गोल्ड को बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब गोल्ड को अगर इंपोर्ट करना है तो उसको लिए बेसिकली लाइसेंस है वो लेना होगा, उसके बाद ही इंपोर्ट हो किया जा सकता है। इसके साथ ही हमने ई दृष्टि एप्लीकेशन के बारे में जाना जो कि रेलवे का एक एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से इंडियन रेलवे के जो मिनिस्टर्स हैं वो रेलवे से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, रेल ट्रेन डिले हो रही है, उन सबको ट्रैक है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने साउथ एशिया रीजनल यूथ कॉन्फ्रेंस के बारे में जाना जो कि बेसिकली न्यू दिल्ली में आयोजित है वो की गई है। किसके द्वारा ये आयोजित की गई है, गांधी स्मृति दर्शन समिति जो कि आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके साथ ही यूनेस्को, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्टैंडिंग टुगेदर टू इनेबल पीस, जिसका मेन मोटो यह है कि साउथ एशियन कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को अचीव है वो किया जा सके यूथ की हेल्प से। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।